बिल्कुल, तो अलग अलग राय है लोगों की और हमारा ये जो कारवां है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जीटी रोड है, हाईवे है, इसलिए जो बस है वो काफी तेजी से फर्राटा भर रही है फतेहपुर के रास्ते में। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनिल कुमार द्विवेदी। डॉक्टर साहब आप क्या पीएचडी किए हुए हैं या डॉक्टर? नहीं, मैं बीएमएस हूं। बीएमएस हैं, इस बार लखनऊ किसको भेजेंगे? मैं योगी जी और मोदी जी को ही देश को समर्पित रहा, लोगों के हाथ में है और शासन बहुत अच्छा चल रहा है। जो चीज़ें 70 साल से अपने हिंदुस्तान में नहीं हुई, एक राम मंदिर मुद्दा, एक 370 कश्मीर से हटाना, ये चीज़ ये कहता है कि हम विकास की ओर जा रहे हैं और हमारा जो राष्ट्र है सुरक्षित लोगों के हाथ में है, सबका विकास, सबका साथ। तो लेकिन जो विपक्षी इतना प्रोपोगंडा करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, आप उनका इलाज कैसे करेंगे? सर ये जनता है, पब्लिक है, इलाज तो वो ही कर देगी सबका। फतेहपुर जा रहे हैं, इस बार लखनऊ किसको भेजेंगे? ये माननीय योगी जी। योगी जी को ही भेजेंगे, क्यों? भाई इतना विकास हो रहा है, जो है चौतरफा विकास हो रहा है और सामाजिक संतुलन बना हुआ है, लोग शांति से रह रहे हैं और विकास का ही जो है वो सोच रहे हैं, उनकी योजनाएं जो है विकास से ही जुड़ रहे हैं, वो लोग सब जो हैं वो विकास का अर्थ समझ रहे हैं। लखनऊ किसको भेजेंगे? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को, मतलब जो सारे लोगों बोल रहे हैं भाई आपकी भी राय है? नहीं, हमारी राय ये है कि जो प्रदेश का भ्रष्टाचार मुक्त करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी ही है। दूसरी पार्टियाँ अच्छा काम नहीं करती, भ्रष्टाचार पैदा करती हैं। योगी सरकार में क्या भ्रष्टाचार मुक्त है? इसीलिए आपका वोट बीजेपी? जी बीजेपी। लगता है कि योगी जी दोबारा बन पाएंगे? एकदम कंफर्म है। इस बार लखनऊ किसको भेजिए? योगी को। योगी को आप भी भेजेंगे? कौशाम्बी से फतेहपुर तक की इस यात्रा में अब तक हमने जितने लोगों से बात की सब लोगों ने ही योगी के कामकाज को सराहा है और कहा है कि उनकी सरकार को एक मौका और मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? धनराज। धनराज, धनराज जी, इस बार किसको वोट देंगे, किसको लखनऊ भेजेंगे? योगी जी को। योगी जी को ही भेजेंगे, क्यों? अच्छा काम किया है ना। अच्छा काम क्या किया है? अरे बिजली सिलेंडर सबका दिया है उन्होंने। अच्छा ये बताइए इस बार लखनऊ किसको भेजेंगे? योगी जी को भेजना उचित है। योगी जी को भेजना उचित है, क्यों? आके महंगाई जरूर है मगर वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, गुंडा राज तो खत्म हो गया, महिलाओं को आने जाने में सुविधाएं होती हैं, कोई परेशानी नहीं आती है, लड़कियां आराम से अपना ड्यूटी कर सकती हैं, हम लोगों को चिंता नहीं रहती बुजुर्गों को।